नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम नई ऊर्जा के साथ नया टॉपिक लाए हैं, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। आज की मोटिवेशन लाइन है, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। कोशिश करते रहना चाहिए, हम जो जो हमारा लक्ष्य है, वो जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं वहाँ तक पहुँचना असंभव नहीं है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। आज हम बताएंगे अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण के लिए हमको अल्फाबेट का सीधा क्रम व उल्टा क्रम याद होना चाहिए। मैंने इससे पहले जो क्लास थी कोडिंग डिकोडिंग, उसमें बताया भी था अल्फाबेट वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और क्रमांक सब बताए थे, सीधे ए से लेके जेड तक पूरे बताए थे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, जो मैंने पहले बता दिया, पिछली कक्षाओं में बता दिए हैं। इसमें 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5, तो क्या होते हैं इसमें? स्वर होते हैं, ठीक है, 21 व्यंजन होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में एम का स्थान, यानी कि वर्णमाला है ना, इसमें ए से लेके एम तक, ये एम है ना, ये एम, यहाँ से जो ए बी सी ए से लेके एम तक जो अक्षर है वो एम है ना, मिड पॉइंट है ये, मतलब इसमें 26 अक्षर है, 26 का आधा होता है 13, तो 13 तक, 13 इस एम का क्रमांक 13 है। ये क्या है, मतलब एक अर्धांश है, दो आधे आधे हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे आधे आधे, ए से एम से, ए से एम तक और एन से जेड तक, तो आधा अर्धांश ये है ए से एम तक और एक है जेड से एन से जेड तक, ये दूसरा अर्धांश है, ये पहला अर्धांश है। अर्धांश मतलब आधा आधा। अब ये ए से जेड तक पूरे हैं 26 अक्षर, कितने अक्षर हैं? 26, उसमें आधे एक से लेके 13 तक तो एम है और 14 से और 26 तक ये अर्धांश है, दूसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इनको हमें ऐसे याद करना होगा, कैसे याद करना होगा इनको, देखो ऐसे याद करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमको इसी प्रकार याद लिखनी चाहिए, ये वर्णमाला है ना अल्फाबेट, इसी प्रकार लिखनी चाहिए। और क्योंकि इनसे ये अर्धांश है, इनका इनसे मतलब क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ये उल्टा वर्स उल्टा जल्दी याद हो जाता है। कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, मतलब ये बस ऐसा लिखा होना चाहिए, यहाँ से ऐसे यहाँ तक एम तक और एम से एन से एन से एन से जेड तक। अब इसमें उल्टा क्रमांक बता दे या फिर बाएं से दाएं बता दे, दाएं से बाएं, कैसे भी बता दे, ऐसा ये तरीका, मतलब ये याद होगा ना हमें, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक उल्टा सुल्टा, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम तुरंत सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि हमें एक तो बाया याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है, बाया और एक दाया। तो इसमें क्या है, हमारा जो मतलब हमारा हाथ है ना, जिधर बाया है उधर ही बाया होता है, जिधर दाया है जिधर दाया होता है। अब हमारा हाथ बाया हाथ इधर है, तो ये बाया हो गया और ये दाया हो गया। अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, दाया मतलब हमारा दाया से सबसे ज्यादा काम इससे करते हैं, तो दाया से दमदार हो गया और बाया से बेकार, मतलब बाया से जल्दी से कोई काम नहीं करते ना, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बाया हाथ से काम करते हैं, अधिकतर 100 में से 99% लोग दाया हाथ से काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, दमदार, और ये क्या हो गया, बेकार। लेकिन हम बेकार तो नहीं कह सकते, ये भी यूज आता है, लेकिन मतलब याद करने के लिए वैसे बेकार और वैसे दमदार, ऐसे याद रख जाएगा। और हमारा जो हमारी पोजीशन होती है ना, किताब की कॉपी की या किताब की जो पेपर होता है किसी भी की, वही जो पोजीशन होती है उसी में, जैसे हमारे आधा इस साइड में तो दाया इसी साइड में होगा, बाया इस साइड में तो बाया इसी साइड में होगा, तो ये बाया हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे इनको याद करना हो, इन कितने अक्षर है, 26 अक्षर है, ठीक है। इनको हमें याद करने के लिए, जैसे हमें याद, ये हम जैसे यहाँ से ऐसे याद कर रहे हैं, बाई तरफ से याद अच्छे से याद है, हमें दाएं तरफ निकालना है, दाएं तरफ से निकालना है, तो पहले हमें बाई तरफ से अच्छे से याद है, तो जैसे बाया अक्षर पे कोई जैसे के है, तो हमें ये तो पता है कि बाएं से 11 अक्षर पे के है, लेकिन हमें ये नहीं पता दाएं तरफ से कितने पर है, तो हम 27 है ना, इसमें से 11 निकाल देंगे, तो कितने आएंगे,
16, तो ये कितने कौन से अक्षर पर है, 16 अक्षर पर। अब गिन के देख लो, चाहे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए ना 16 अक्षर पर। कैसा भी क्वेश्चन आया, जैसे ऐसे आ गया कि दाई तरफ से पांचवें स्थान पर है, दाई तरफ से कोई कोई भी अक्षर है जो दाई तरफ से पांचवें स्थान पर है, और वो बाई तरफ से ज्ञात करवाना है बाई तरफ से कौन से स्थान पर है। तो हमें याद, हमने किसे कैसे किया था, बाई तरफ से कैसे याद करेंगे, दाई तरफ से पांचवें स्थान पर है, तो 27 में से क्या निकाल देंगे, पांच, क्या निकाल देंगे, पांच, पांच निकालेंगे कितने आएंगे, 22। अब 22 कौन सा है, इधर इधर से याद करेंगे, तो 22 याद किया था ना 21 22 का यू वी, तो 21 22 पे क्या होगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। अब ये इधर से मतलब दाई तरफ से, दाई तरफ इधर है ना, उसमें ए 1 2 3 4 5 पांच अक्षर पर कौन सा है, वी, और इधर से 22 अक्षर पर कौन सा है, बाई तरफ से पूछ रहा है, तो 22 बाई तरफ से 22 अक्षर पर कौन सा है, वी। तो ऐसे याद करना है। और हमें एक ट्रिक और बताऊं मैं आपको, इसको कैसे कैसे सोल्व करने है। देखो क्वेश्चन में ऐसे आ जाए दाया दाया दाया, क्या आ जाए, दाया दाया, एक आ जाए दाया बाया, ठीक है, एक आ जाए बाया बाया दाया, एक आ जाए बाया बाया। तो देख जो सेम है ना उनमें तो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो अपोजिट है जैसे ये दाया है ये बाया, तो ये प्लस हो जाएगा, ये दाया है ये बाया और ये दाया है तो ये प्लस हो जाएगा, और बाया बाया है तो माइनस हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आया, अगर ये वाला तरीका लगा दो, क्वेश्चन में दो बार दाया दाया आ गए ना तो माइनस कर दो, दो बार बाया बाया आ गया तो माइनस कर दो, और दो बार एक बार बाया और एक बार दाया आ गया तो प्लस कर दो, एक बार बाया बाया आ गया तो माइनस कर दो, और एक बार दाया और एक बार बाया आ गया तो प्लस प्लस कर दो, ऐसे कर दो। क्वेश्चन कैसे भी आए चाहे कैसे भी आप सोल्व कर दोगे इसको। अब हम करेंगे वर्णमाला क्रमांक के आधार पर क्वेश्चनों को, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वें अक्षर के दाई ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने बताया था ना आपको कि बायां और दायां है तो क्या करना है, दायां बायां है तो क्या करना है, तो इसमें क्या बता रखा है, बाई ओर से 10वें अक्षर के दाई ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो जोड़ना है तो 10 बायां बाई और दाई दो है, तो क्या करना है इनको, दाई क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 10 प्लस 12। अब पहले इसमें क्या, पहले जो बताया ना वही माना जाएगा, तो क्या है बाया बाई, बाई ओर है ना, तो बाई ओर बता दें, बाई ओर से कौन सा है, तो 10 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 22। अब 22 अक्षर पर कौन सा आता है, एक ट्रिक है ना, यू वी 21 22 साल का क्या करने लगाया था, क्रिकेट खेलने लगाया था, तो 22 में क्या आ जाएगा, वी, कौन सा अक्षर है, वी, कौन सा आ जाएगा, वी, ठीक है, आया कुछ समझ में। देखो भाई अंग्रेजी वैसे ऐसे इस ट्रिक से आ गया होगा तो देखो, नहीं तो और अच्छे मतलब वैसे बता दूं, जैसे ए ऐसे बताएंगे ए बी सी डी के हिसाब से, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करते हैं मान लो, तो 10 अक्षर पर कौन सा आता है, ऐसे स्टार्ट करेंगे तो 10 अक्षर पर कौन सा आ जाएगा, जे, 10 पे क्या हो जाएगा, जे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 11 गोलियां चलती रहती है, तो जे पे 10 पे जे आ जाएगा, प्लस इसमें मतलब इसके ये क्या है दाया, मतलब ये है बाई ओर से 10वें स्थान पर है, अब इसके दाएं बताना, तो इसका दाया किधर होगा, हमारा दाया किधर है, इधर की साइड में, तो इधर दाया हो जाएगा, तो इसके इधर 12 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो 10 11 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गए 12। अब इसको करेंगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, कौन सा अक्षर आ रहा है, वी, तो एक 12वें अक्षर, इसके 12वें अक्षर पर कौन सा आ रहा है, वी, और ये वैसे बाई ओर से कौन से नंबर पर है, 22वें नंबर पर। अब ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए है ना, तो ऐसे ऐसे भी समझा देंगे लेकिन इससे जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब अगला देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 5वें अक्षर के दाई ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखो वही होगा बाई और दाई, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, तो 5 प्लस 7 किधर से करना है, बाई ओर से क्या हो जाएगा, 5 और 7 कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12। अब 12वें नंबर पर कौन सा है,
12 नंबर पर कौन सा है? क्या है? एल। 12वें अक्षर पर कौन सा है? एल। तो बाएं तरफ से 12वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा? एल। ऐसे याद कर लो और चाहे वैसे याद कर लो, कैसे भी करो, आना तो आंसर है लिए। ठीक है, अब अगला अगला स्टेप देखते हैं। हमने कर लिया बाया और दाया, अब करेंगे दाया और बाया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से, किस ओर से? ये ए से जेड तक है मान लो ना, तो इस ओर से, किस ओर से? जेड की तरफ से। कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। 10वें अक्षर के बाई ओर, मतलब 10वें अक्षर है उसके बाई ओर, मतलब इसी साइड में बाई वाह पांच बाई ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला तरीका अपना लेते हैं। किस ओर? दाई ओर। किस ओर? दाई ओर से। क्या है? दाया बाया। ठीक है, तो दाया बाया है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या है? 10 प्लस 5 कितना है? 10 प्लस 5 15। 15 क्या? 15 पर क्या आता है? ओ क्या आता है? नहीं, 15 हो गए। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि ये 15वें अक्षर पर दाई ओर से क्या है। हमने मान लो बाई ओर से याद किया, दाई ओर से याद नहीं किया, तो हमें इसका बाया निकालना है। क्या निकालना है? बाया। तो बाया निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 में से 15 निकाल देंगे। क्या कर देंगे? 27 में से 15 निकाल देंगे। 27 में से 15 निकालेंगे तो क्या होएगा? क्या होएगा? 12। कितने बच जाएंगे? 12। 12 का वो क्या है क्रमांक, मतलब 12 किसका क्रमांक है? एल का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल। क्या जाएगा? एल। अब हम ऐसे भी याद करेंगे ना, ए बी सी डी के हिसाब से भी, तब भी हम इधर से गिनेंगे तो एन तक तो क्या हो जाएगा? 13। 13 अक्षर तक आ जाएगा इधर से दाई तरफ से, और एक एम एल एम एम कौन से पे? 14 पे, और एल 15 पे। ऐसे हो जाएगा, चाहे ऐसे याद कर लो चाहे वैसे याद कर लो, या आंसर आना एल है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दाया और बाया का ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से, किस ओर से? दाई ओर से 12वें अक्षर के बाई ओर 10वां अक्षर है, अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? किस ओर से? बाई ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब दाई दाया अक्षर है ना ये 12, मतलब दाई ओर से जो 12वें अक्षर है उसके बाई ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो वही होगा दाया, इधर दाई ओर प्लस बाई ओर। तो 10 दाएं ओर कितना, कितने पर? 12 पर, और फिर कितने हैं? 10, फिर कितना हो जाएगा? 22। क्या हो गया? 22। अब हमें क्या करना है? हमें दाएं तरफ से मान लो याद नहीं है, तो बाएं तरफ से, बाएं तरफ का तो हमें अच्छे से याद है ए से जेड तक कितने कितने पर है, तो बाएं तरफ याद करना है तो हम क्या करेंगे? 27 में से 22 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 22। तो कितने बच जाएंगे? 5। क्या बच जाएंगे? 5। 5 बच जाएंगे ना। अब हम बाएं ओर से 5 अक्षर पर कौन सा आता है? बाएं बाएं ओर से मतलब 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? 5वें नंबर पर कौन सा आएगा? ई आएगा ना। क्या आएगा? ई। ठीक है, 5वें नंबर ई आएगा, और दाएं ओर से मतलब अब ये पता चल जाएगा दाएं ओर से 22वें नंबर पर क्या है? ई है। बाएं दाएं दाएं ओर से 22वें नंबर पर क्या है? ई। क्या है? ई। ठीक है, अब अगली स्टेप पे करेंगे। अगली स्टेप है बाया बाया बाया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाया बाई ओर से, किस ओर से? बाई ओर से 12वें अक्षर के बाई ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब हमें पता है बाई ओर से, किस ओर से? बाई ओर से। ठीक है, और अब आगे क्या कह रहा है? बाई ओर, फिर आगे भी क्या है? बाई बाई ओर है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये क्या है? 12। ठीक है, और ये है 10। क्या है? 10। तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितने बचेंगे? 2। अब बाई ओर से बताना बताना दूसरे नंबर पे क्या है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अक्षर होएगा बाई ओर से 10वें अक्षर पर, मतलब 12वें के बाई ओर 10वें, मतलब 12वें के बाई अक्षर के बाई ओर 10वां अक्षर है ना, वो कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास अगला स्टेप कल से स्टार्ट करेंगे।